हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है जतिन। अगर आप एक सीएफजी ले रहे हैं और पीएफजी दिशा का संचालन करते हैं तो आप खुश हो जाइए, क्योंकि आज मैं लेके आया हूँ दिसंबर मंथ की पेमेंट अपडेट। जिन हमारे बीएलओ भाइयों का पेमेंट दिसंबर महीने का फंसा हुआ था, वो क्यों फंसा था, उसका क्या कारण थे, उनके बारे में बात करूंगा। और नवंबर मंथ महीने का जो पेमेंट है, जिन बीएलओ भाइयों का डिजी नेम के कारण या अन्य समस्याओं के कारण फंसा हुआ था, उनका पेमेंट कैसे आएगा, कब आएगा, उसके बारे में मैं थोड़ी सी आपको मालूम दूंगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं पीएमजी दिशा से रिलेटेड ऐसी लेटेस्ट नॉलेज आप तक लाता रहूंगा। दोस्तों, अगर आपकी कोई क्वारी है तो आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि दिसंबर महीने का जो पेमेंट है, किन बीएलओ भाइयों का आया है और किन बीएलओ भाइयों का नहीं आया हुआ है। तो दोस्तों, जो दिसंबर महीने का पेमेंट है, अगर आपने 31 तारीख के पहले, मतलब 31 दिसंबर को पहले आपने डिजी नेम परचेज कर लिया था, तो आपका पेमेंट 16 जनवरी को आ चुका होगा। और जिन्होंने 31 तारीख के बाद डिजी नेम परचेज किया है, 1 जनवरी से 12 जनवरी तक डिजी नेम जिसने परचेज कर लिया है 335 रुपए का, कुछ बीएलओ भाइयों ने 235 रुपए का सबसे छोटा वाला पैकेज परचेज किया है, तो उससे कोई अंतर नहीं आएगा। आप कम परचेज करते हैं, कम रुपए वाला या ज्यादा रुपए वाला, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आपको सिर्फ डिजी नेम परचेज करने हैं, वेबसाइट आप क्रिएट करें या ना क्रिएट करें, उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मैं आपको बता दूं, जिन्होंने 1 तारीख से 12 तारीख तक डिजी नेम जनवरी में परचेज कर लिया था, उन बीएलओ भाइयों का पैसा कल रात से आना स्टार्ट हो गया है। बहुत सारे बीएलओ भाइयों का मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी आपको इधर मैं लगा दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि जो हमारा पेमेंट है वो स्क्रीनशॉट में दिखाई दे भी रहा है। विद प्रूफ के साथ आप देख सकते हैं कि पेमेंट आना सभी का स्टार्ट हो गया है, कल रात से सारा पेमेंट आ रहा है। और जिन्होंने 12 जनवरी के बाद डिजी नेम परचेज किया है, उनका पेमेंट की अभी मैं कोई अपडेट आपको कोई भी डेट नहीं दे पाऊंगा। हो सकता है कि उनका जो पेमेंट है नेक्स्ट वीक तक इशू हो जाए, मतलब आपका जो पेमेंट है वो फरवरी, अन्यथा जिन बीएलओ भाइयों का जो पेमेंट रह गया है उनका पेमेंट अगले महीने जब भी जनवरी का पेमेंट आएगा उस पेमेंट के साथ आ सकता है। तो बहुत सारे हमारे बीएलओ भाई कमेंट्स कर रहे थे कि नवंबर मंथ का जो पेमेंट है वो फंसा हुआ, उनका क्या करें। तो दोस्तों, जो नवंबर मंथ का जो पेमेंट हमारा फंसा हुआ है, तो आपने जो गलतियां करी थी, आगे से गलतियां नहीं कीजिएगा। बहुत से डिजी नेम, बहुत से हमारे भी, क्योंकि नवंबर मंथ में क्या हुआ था कि डिजी नेम तुरंत ही आया था, तो हमारे बहुत सारे जो पीएमजी दिशा संचालक हैं वहां पे स्क्रीन पे मेंशन भी हो रहा था कि आप डिजी नेम खरीद लीजिए, बट किसी ने कोई बातें नहीं सुनी। सिर्फ 235 रुपए के चक्कर में अपनी पेमेंट 60-70 हज़ार रुपए की जो पेमेंट थी उसको फंसा दिया। तो दोस्तों, अगर आगे से कोई भी आता है नोटिफिकेशन, तो आप उससे तुरंत एक्शन लिया कीजिए। आप ये नहीं कि जब तक आप दूसरे वीडियो को देखेंगे कि उसने परचेज किया कि नहीं किया तब आप परचेज करते, तो वो बहुत ही गलत है। उससे आपका पेमेंट हमेशा फंसेगा, क्योंकि ये पीएफसी का रूल है जो देता है टारगेट, आपको टारगेट कंप्लीट करना होगा। और उसके बाद उसने डायरेक्ट शर्त भी दे दिया था कि आप जब तक डिजिटल परचेज नहीं किए करेंगे तब तक आपका पेमेंट होल्ड रहेगा। तो जिन्होंने ये गलतियां करी हैं, आगे पे गलतियां ना करें। और एक बात मैं आपको बता दूं, जिन्होंने अभी तक जनवरी महीने का अभी तक डिजिटल परचेज नहीं किया है, वो जल्द से जल्द परचेज कर लें इसी महीने, नहीं तो आपको बहुत ही समस्या होगी। और अभी जो ऑफर आया हुआ था 26 जनवरी के उस दिन, पूरी जो वेबसाइट थी हमारी वो लैक हो गई, क्रैक हो गया था वेबसाइट में, किसी का भी डिजी नेम परचेज नहीं हुआ। मुझसे बहुत सारे डेली पूछ रहे थे कि वो कब दोबारा जो ऑफर कब आएगा, तो उसकी डिटेल्स मेरे पास कुछ नहीं है। आप फ्री का इंतजार मत कीजिए, क्योंकि अगर आप फ्री का इंतजार करेंगे तो आपका फिर से पेमेंट होल्ड हो सकता है। तो जनवरी वाले जो हैं वो अभी लास्ट के पहले, पेमेंट आने से पहले ही आप डिजी नेम परचेज कर लें, 31 जनवरी से पहले आप इसे परचेज कर लें, अन्यथा जो आपका पेमेंट है होल्ड हो जाएगा। तो अभी बात कर रहे थे नवंबर मंथ की, तो नवंबर मंथ वाले आप थोड़ा सा पेशेंस रखिए। पीएमजी दिशा कभी किसी का पैसा मारती नहीं है, अगर आपने ज़्यादा गलतियां नहीं की हैं, थोड़ी बहुत गलतियां की हैं तो पेमेंट आपका आ जाता है। और कुछ बीएलओ भाई शॉर्टकट के चक्कर में बहुत ज़्यादा गलतियां कर देते हैं, इसकी वजह से जो उनका पेमेंट है वो होल्ड हो जाता है। तो आप भी कोई, जो मैंने एक पीछे वीडियो आपको यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और ऊपर भी आई बटन पे दे दूंगा, उस वीडियो को देख करके आप समझ जाएंगे कि क्या क्या गलतियाँ नहीं करनी है जिससे कि हमारा जो पेमेंट है वो होल्ड ना हो। तो उनका जो पेमेंट है अभी होल्ड है, नवंबर महीने वाला जो पेमेंट है वो आ जाएगा, हो सकता है नेक्स्ट वीक। अगर नेक्स्ट वीक नहीं आता है तो अभी उसकी ज़्यादा कुछ अपडेट्स नहीं है।
पर जैसे ही उसका अपडेट्स मेरे पास आ जाएगा मैं आपको तुरंत ही वीडियो के माध्यम से या मेरा एक व्हाट्सएप पे ग्रुप चलता है वहाँ पे अगर आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप पे कनेक्ट कीजिए, वहाँ पे आपको मैं ग्रुप पे जोड़ दूंगा। उसमें जितनी भी लेटेस्ट होती जानकारियाँ मैं आप तक तुरंत पहुँचाता हूँ। मेरा पीएफसी परिवार के नाम से ग्रुप चलता है वहाँ पे, तो आपको तुरंत ही व्हाट्सएप पे आपको उसकी नोटिफिकेशन और मिल जाएगी। तो मेरे चैनल पे ऐसे ही लेटेस्ट नॉलेज आपको देता रहता हूँ, तो इन फ्यूचर जब भी कोई लेटेस्ट नॉलेज आएगी तो आपको सबसे पहले मैं बताने की कोशिश करूँगा। तो अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो इसके लिए थैंक्स। तो मेरे चैनल पे हमेशा बने रहिए और मुझे सपोर्ट कीजिए। मुझे मेरा जो सब्सक्राइबर है वो काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है, आप मुझे बहुत अच्छा पसंद कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूँ। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।